गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक करेंगे, वर्नर थ्योरी या फिर वर्नर कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक रहेगा आज हमारा। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने IUPAC नोमेनक्लेचर की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, कुछ टॉपिक सिलेबस से कट कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अगर तो जो 6th चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों, आइसोलेशन या फिर मेटलर्जी का चैप्टर था, वो पूरा का पूरा सिलेबस से आउट कर दिया भाई, कट कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। और चैप्टर नंबर 15 की मैं बात करूँ पॉलीमर, तो वो भी कंप्लीट चैप्टर कट चुका है सिलेबस से। और 16th चैप्टर की मैं बात करूँ केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर बच्चों काट दिए गए हैं, जो छोटे चैप्टर थे बिल्कुल आसान थे एक एक दिन के, वही काटे गए हैं बस, ठीक है। कुछ सिलेबस भी हमारा रिड्यूस किया गया है, मैं चैप्टर वाइज आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है वो रिमूव कर दिया गया सिलेबस से। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था आइसोमेरिज्म का टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो बच्चों वहाँ पे दो टाइप थे इसके, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर, तो ये दोनों टाइप सिलेबस से काट दिए गए हैं। तो आज हमने पढ़ना था वैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आज हम उसको छोड़ रहे हैं इस टॉपिक को, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो सिलेबस से नहीं कटा है, दैट इज़ वर्नर कॉम्प्लेक्सेस वर्नर थ्योरी। वर्नर क्या था, एक साइंटिस्ट थे भाई, जिन्होंने बताया था आपको कुछ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, और उन कॉम्प्लेक्सेस को टेस्ट किया था, ठीक है। तो उन्होंने जब उन कॉम्प्लेक्सेस को टेस्ट किया तो वो अलग अलग टाइप के आयन देते थे पानी के अंदर। जब उसने उन कॉम्प्लेक्सेस को मिलाया पानी के अंदर तो वो अलग अलग टाइप के आयन्स उन्होंने दिए, और इसी का जवाब दे मिलेगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया। जब उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका था COCl3NH3, ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बन चुका था। और ये कॉम्प्लेक्स जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने रखा कि COCl3 को जब 6 किसके साथ जोड़ दिया, 6 अमीन ग्रुप के साथ जोड़ दिया, यानी यहाँ पे 6 लिजेंड जब उन्होंने लगाए तो 4 आयन मिले सॉल्यूशन में, जब उन्होंने 5NH3 लगाए तो 3 आयन्स मिले, 4NH3 लगाए तो 2 आयन्स मिले, और जब 3NH3 लगाए तो कोई भी आयन नहीं मिला। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए पढ़ते हैं वर्नर थ्योरी, इसी पे के बेस पे हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, वर्नर प्रॉब्लम वॉज दैट हाउ टू एक्सप्लेन दीज आयन्स। वर्नर की समस्या थी कि इन आयन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। एज वी रीड इन द चैप्टर सॉल्यूशन, वी कैन एक्सप्लेन दीज बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इन आयन को बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी आप बता सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा आयन देगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कम है वो कम आयन देगा, ठीक है। बाय स्टडिंग दीज, इनको स्टडी करके, ही सैड, उन्होंने कहा दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। उन्होंने ये बताया इस टॉपिक से कि भाई वैलेंसी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब तक तो हमें एक ही वैलेंसी का पता था, बट इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या पता लगा कि 2 प्रकार की वैलेंसी हम पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी वैलेंसी। अब समझो बच्चों प्राइमरी वैलेंसी क्या थी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी, तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। प्राइमरी वैलेंसी वो थी जो कि नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करती थी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वो थी जो नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करती थी। सेकेंडरी वैलेंसी वो थी जो लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉनों के जो लोन पेयर हैं या फिर लिजेंड को क्या है, सेटिस्फाई करती थी, ठीक है। इन अबाउ एग्जांपल, प्राइमरी वैलेंसी वाज पॉजिटिव चार्ज ऑन कोबाल्ट। अभी यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल थे COCl3 या फिर हमारा 6NH3 था, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज कोबाल्ट पे था वो तो प्राइमरी वैलेंसी थी, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन थी जो ये हमारे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के, ये क्या थे, सेकेंडरी वैलेंसी में आते थे, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे क्या थी, +6, यानी जो मेरे पास लिजेंड थे 6 के 6, ठीक है। सो वी कैन से दैट क्लोराइड Cl3 सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको डिटेल में, यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है बच्चों, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, ये टूटेगी, ब्रैकेट से बाहर लिखी जाती है मेरी, यहाँ पे जो ब्रैकेट से बाहर मैंने लिखी है बच्चों, ये होती है मेरी प्राइमरी वैलेंसी, और ये आयोनाइजेबल होती है, पानी में इसके आयन बन जाते हैं, ठीक है। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी ब्रैकेट के अंदर है NH3 की पावर 6,
ये हमारे पास क्या है, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं होती। क्लियर क्लियर है ना। उसके बाद देखो एग्जांपल से समझो इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करो एग्जांपल के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों चैप्टर की, जिसका नाम है VBT थ्योरी, और उसके बाद आएगी CFT थ्योरी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और VBT थ्योरी पे क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता, एग्जाम में 101% आता है। आज की थ्योरी इतनी खास नहीं है, बट मैं फिर भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा देता हूँ आज। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, दैट इज COCl3.6NH3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आउट ऑफ ब्रैकेट होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इनसाइड द ब्रैकेट होती है। यू कैन सी हेयर दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस वन इज द प्राइमरी वैलेंसी। बच्चों ब्रैकेट से जो बाहर ये Cl3 है ये प्राइमरी वैलेंसी है, ब्रैकेट के अंदर NH3 सेकेंडरी वैलेंसी है। तो उन्होंने क्या कहा, जब ये कंपाउंड हमने लिखा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया भाई। देखो बड़ा ईजी है, कोई डिफिकल्ट मेथड इसमें नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बीच में CO लिया, फिर यह ऐसे चार डॉट लगाए। ठीक है, यहाँ पे NH3 रखा, यहाँ पे NH3 रखा, यहाँ पे NH3 रखा, यहाँ पे NH3 रखा। कितने NH3 हो गए बच्चे, 4। एक ऊपर रख लिया NH3, एक नीचे रख लिया NH3, तो 6 NH3 हो गए। अब उन्होंने ये बताया था कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, आप उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करोगे, क्योंकि आयनाइजेबल है, ये पानी में टूट जाती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है बच्चे, उसको आप कंप्लीट एक लाइन से डिनोट करोगे, डायरेक्ट लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये अनएजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को आप कहीं पर, इसमें प्राइमरी वैलेंसी को आप इसमें क्या है, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे Cl- जोड़ दिया, एक डोटी डोटी लगा के यहाँ पे जोड़ दिया, एक डोटी डोटी लगा के यहाँ पे जोड़ दिया। तो वर्नर ने क्या बताया बच्चों, कि यहाँ पे जो CO3+ है ये प्राइमरी वैलेंसी 3+ है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी मेरी क्या है, डोटेड लाइन से शोन है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी मेरी डार्क लाइन से शोन है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसको हम जब पानी में मिलाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे सामने आया। ये कैसा स्ट्रक्चर था, CO, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे CO, NH3 की पावर 6, और ब्रैकेट के बाहर लिखोगे बच्चों Cl3। क्या लिखोगे, Cl3। क्यों लिख दिया मैंने Cl3, क्योंकि जब भी Cl3 पानी में मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑन एडिंग वाटर मैंने लिख दिया है। देखो पानी में मिलने के बाद ये आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स देगा। यहाँ पे देख लें आप एक बार, CONH3 की पावर 6, ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा, 3Cl- यहाँ पे आ जाएगा, तो कितने आयन बन गए बच्चों, एक तो पॉजिटिव आयन ऊपर वाला, 3 नेगेटिव आयन, Cl- Cl- Cl-, एक पॉजिटिव आयन प्लस 3, तो टोटल आयन कितने हो गए बच्चों, 4। अंडरस्टैंड या फिर नहीं समझे आप इस चीज़ को, बताओ यहाँ पे टोटल कितने आयन बन गए हमारे, 4। क्लियर है ना, मैंने वैसे लिख भी रखा है आपको सिंप्लीफाई करके, कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई यहाँ पे होगी, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, दोनों की दोनों सेटिस्फाइड हमारी हो चुकी हैं। क्लियर, समझ में आया ना इतना कंसेप्ट आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा हमारा, इसके अंदर 4 आयन बन गए। उसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, देखो अब की बार हम क्या करेंगे, CONH3 की पावर 5 और 1 Cl अंदर रखेंगे और 2 Cl बाहर रखेंगे। यू कैन सी हेयर Cl2, ये तो मेरी प्राइमरी वैलेंसी होगी, जबकि ये मेरी सेकेंडरी वैलेंसी 5 ये और एक छठी ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा था, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से। सो यू कैन ड्रा अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जब उन्होंने वर्नर ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया तो इस तरह का बना हुई, देखो 4 तो ये हो गए, एक यहाँ पे रख लिया। अब एक जो Cl है, देखो 2 Cl तो यहाँ पे क्या थे, डॉटेड वाले थे, ये रही 1 Cl में रखा होगा, बताओ ये वाला Cl अंदर वाला, ये डार्क लाइन से भी होगा, डॉटेड लाइन से भी होगा, है ना, डार्क लाइन से भी होगा, डॉटेड लाइन से भी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, एक तरह की कैसी वैलेंसी हो गई बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी में आ गया ना ये। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कितने आयन बनेंगे, बता सकते हो, यहाँ पे मेरा अगर पानी में मिलाता हूँ मैं इसको, आफ्टर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट गिव्स CONH3 की पावर 5, 1 Cl अंदर और 2 Cl- बाहर। तो देखो बच्चों 2 Cl- अगर बाहर हैं, 1 Cl अंदर है, तो ऊपर चार्ज +2, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, तो कितने आयन दिए उन्होंने, टोटल 3 आयन्स। सिमिलरली यू कैन ड्रा फॉर नेक्स्ट, किसके लिए, इस वाले के लिए ड्रा कर सकते हो आप, 4NH3 के लिए। जब हमने ऐसा किया तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, 4NH3 के लिए 2 Cl अंदर आ गए, क्योंकि वैलेंसी तो सेटिस्फाई करेगी ना 6 को, तो और 1 Cl- मेरा बाहर रह गया, तो क्या बन गया, एक ही Cl डॉटेड आएगा, बाकी डॉटेड भी आएंगे और कंप्लीट भी आएंगे। सो देखो कितने आयन बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 आयन केवल। 3 वाले में क्या करोगे, देखो 3 वाले में 1, 2, 3 ही NH3 हमारे हैं, और Cl अब की बारी Cl तीनों के तीनों अंदर चले गए, है ना, तो तीनों के साथ डार्क लाइन आएगी। सो इट मीन्स
यहाँ पे कोई भी आयन नहीं बना। तो आपको समझ में आई वर्नर थ्योरी किस तरह से कॉम्प्लेक्स बताती है, किस तरह से बताती है कौन सा ब्रेकेबल है कौन सा नॉन ब्रेकेबल है। बाय दिस कंसेप्ट हमने सीखा है कुछ इस तरह का प्रोसीजर। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है जो नेक्स्ट वाली थ्योरी पूरी करेगी। तो बच्चों लिमिटेशन और पढ़ लेते हैं हम इसकी। इट कैन नॉट एक्सप्लेन वाई सर्टेन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड नॉट अदर्स। इसने नहीं बताया कुछ ही एलिमेंट कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं और दूसरे वाले क्यों नहीं बनाते। तो वो थ्योरी नेक्स्ट बताएगी हमारी कंडीशन। वाई द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज़ ए डेफिनेट ज्योमेट्री। इसने ये भी नहीं बताया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो ज्योमेट्री हो किस तरह की होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, कैसी होगी। ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसने ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई बच्चों, मतलब कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कौन कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस है और कौन सा कलर फुल है। ठीक है, वो बताएगी नेक्स्ट थ्योरी हमारी। सो दिस थ्योरी इज कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन में गारंटीड आपको बताता हूँ, इससे पक्का पूछा जाता है 100% पेपर में ये वाली थ्योरी जो पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।